Hello students, students, your midterm work start now and subject is EVS. Midterm work, your chapter is lesson 6. Okay students, बच्चों आज आपका EVS में midterm work start हो गया है. आपका midterm work का पहला chapter है lesson 6. Lesson 6 और लेसन का नाम है आपका आवर फूड. आवर फूड मीन्स हमारा भोजन. फूड मीन्स भोजन. आगे देखते हैं. वी ऑल नीड फूड. वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी को, नीड आवश्यकता होती है, फूड मीन्स भोजन. हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. वी नीड फूड टू. वी हम नीड आवश्यकता होती है फूड टू भोजन की. हमें भोजन की आवश्यकता होती है. गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले मीन्स गेट एनर्जी. एनर्जी मीन्स शक्ति. शक्ति को प्राप्त करने के लिए, टू वर्क खेलने के लिए और कार्य करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है. बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. स्ट्रॉन्ग मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है. एंड ग्रो. ग्रो मीन्स बढ़ने के लिए, और हमें बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. फिर आता है आपका वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स वी गेट. हम गेट मीन्स प्राप्त करते हैं फूड भोजन फ्रॉम से प्लांट्स पौधों से एंड और एनिमल्स पशुओं से. हम अपना भोजन पौधों से और पशुओं से प्राप्त करते हैं. आपने देखा है कि हम अपने घरों में फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होती हैं. और एनिमल्स से हम क्या प्राप्त करते हैं? एग, मिल्क और मीट, ये सभी चीज़ें हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं. आगे देखिए. फूड फ्रॉम प्लांट्स पौधों से प्राप्त भोजन. वी गेट हम प्राप्त करते हैं फ्रूट्स फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां फ्रॉम प्लांट्स पौधों से. हम पौधों से फल और सब्जियां प्राप्त करते हैं. वी आल्सो गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम हम अनाज भोजन पौधों से अनाज के रूप में, जैसे वीट. वीट मीन्स अनाज यानी कि गेहूँ. राइस. राइस मीन्स चावल. एंड मेज और मेज मीन्स मक्का. हम पौधों से अनाज के रूप में गेहूँ चावल और मक्का को प्राप्त करते हैं. फूड फ्रॉम एनिमल्स और पशुओं से प्राप्त भोजन. वी गेट हम प्राप्त करते हैं मीट मांस मिल्क दूध एग अंडा एंड फिश और मछली फ्रॉम एनिमल्स पशुओं से. हम पशुओं से मांस दूध अंडा और मछली को प्राप्त करते हैं. वी मेक बटर चीज़ घी एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क. हम दूध से बटर, बटर मीन्स मक्खन, चीज़ घी और आइसक्रीम भी बनाते हैं. डू यू नो. डू यू नो मीन्स होता है क्या तुम जानते हो. मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड. मिल्क एक संपूर्ण फूड है. मीन्स आप दूध पीते हैं, कहते हैं ना दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए कहते हैं कि मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड. वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट टू ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे. वी हमें शुड चाहिए ड्रिंक पीना एट लीस्ट टू ग्लासेस दो ग्लास दूध ऑफ मिल्क एवरी डे. प्रत्येक दिन हमें दो ग्लास दूध अवश्य पीना चाहिए. कुछ बच्चे क्या कहते हैं, हमें दूध नहीं पीना. दूध ना पीने से हमारी ग्रोथ रुक जाती है और हमारे माइंड पर भी असर होता है. आगे देखिए. ईटिंग टाइम. ईटिंग टाइम मीन्स खाने का समय. वी ईट हम खाते हैं थ्री मील्स तीन बार भोजन इन ए डे. एक दिन में हम तीन बार भोजन खाते हैं. वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम. हमें अपना भोजन फिक्स यानी कि निश्चित समय पर करना चाहिए. मील्स का मीनिंग भी भोजन होता है. वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स सुबह में और ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता.
हमें सुबह में नाश्ता लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क विद ब्रेकफास्ट। वी शुड हमें चाहिए हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क दूध का ग्लास लेना नाश्ते के साथ, हमें नाश्ते के साथ दूध का ग्लास अवश्य लेना चाहिए। वी टेक लंच इन द आफ्टरनून, हमें आफ्टरनून मीन्स दोपहर में, हमें दोपहर में लंच लेना चाहिए। वी शुड हैव चपातीज, हमें अपने लंच में चपातीज मीन्स रोटियां, राइस, चावल, दाल और वेजिटेबल्स फॉर लंच, और सब्जियां लंच में लेनी चाहिए। वी टेक डिनर एट नाइट, हमें रात्रि में भोजन खाना चाहिए। डिनर शुड बी लाइट, डिनर हल्का होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क विद डिनर, हमें चाहिए हमेशा मिल्क ऑफ रात को दूध पीना हमें अवश्य चाहिए। वी शुड ईट आवर मील्स एट द राइट टाइम, हमें चाहिए ईट खाना आवर मील्स अपना भोजन एट द राइट टाइम, सही समय पर हमें अपना भोजन खाना चाहिए। ईट कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, ईट कीप्स मीन्स रखता है, यह हमें मजबूत और स्वस्थ रखता है। गुड फूड हैबिट्स, अच्छी भोज्य आदतें, ऑलवेज हैव गुड फूड हैबिट्स, हमेशा अच्छी भोज्य आदतें होनी चाहिए। यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें प्रत्येक बार खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। ईट स्लोली, हमें धीरे से खाना चाहिए। च्यू द फूड वेल, हमें भोजन को अच्छे से पचाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, हमें प्लेंटी मीन्स बहुत आयत, यानी कि बहुत ज़्यादा, हमें प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नॉट ईट अनकवर्ड फूड, हमें अनकवर्ड यानी कि बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। नॉट ओवर ईट, हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ओवर ईट मीन्स ज़्यादा खाना, हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता होती है, हमें इससे ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। आगे देखते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑयली फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऑयली फूड यानी कि जो चिकनाई से भरा हुआ भोजन होता है, जैसे कि पूरी, कचौरी, पकौड़ियाँ एंड कोल्ड ड्रिंक्स जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, ये हमें नहीं खानी चाहिए और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। टू मैनी स्वीट्स, बहुत सी मिठाइयाँ खाना, टॉफियाँ एंड चॉकलेट स्पॉइल आवर टीथ, और चॉकलेट्स भी हमारे दांतों को सड़ा सकती हैं, ये भी हमें बहुत कम खानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको बुक वर्क करवाते हैं। देखिए, वी मेक बटर फ्रॉम, हम बटर मीन्स मक्खन, हमें मक्खन प्राप्त होता है किससे, वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स से या फिर मिल्क से। हमें वेजिटेबल बटर किससे मिलता है, बटर हमें मिलता है मिल्क से, तो हम मिल्क पर राइट लगाएंगे। द मील दैट वी टेक इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड मील, मतलब भोजन जो हम सुबह में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, उसे हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। इज़ ए कम्प्लीट फूड, कम्प्लीट यानी कि संपूर्ण भोजन कौन सा है, वीट, मिल्क, एग, वह मिल्क। वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए, स्लोली इन ए हरी अनकवर्ड फूड, यानी कि धीरे से, जल्दी से और बिना ढका भोजन हमें स्लोली खाना खाना चाहिए। आगे देखते हैं, मैच करेक्टली, आपको मैचिंग करनी है। फूड हमें क्या देता है, फूड हमें गिव्स अस एनर्जी। मीट, एनिमल्स, राइस, फूड ग्रेन। टू फ्रूट्स यू लाइक द मोस्ट, दो भोजन के नाम लिखो जो, दो फलों के नाम लिखो जो तुम्हें पसंद हो, एप्पल और मैंगो, इसमें आप कोई से भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद होते हैं। टू थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड ईटिंग्स, टू दो चीज़ें वे लिखनी हैं जो तुम खाने में अवॉइड कर सकते हो, उसमें आप बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, चाउमीन, जो आपकी इच्छा हो आप वो लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। टू वेजिटेबल्स यू लाइक द मोस्ट, आपको दो सब्जियाँ लिखनी हैं जो आपको बहुत पसंद है, इसमें पटैटो और लेडी फिंगर लिखी है, लेकिन आपको जो पसंद हो आप वह भी लिख सकते हैं। टू थिंग्स यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, दो चीज़ें आपको लिखनी है जो आप ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हो, तो इसमें मैंने सैंडविच और पराठा बताया है, लेकिन आप जो पसंद हो आप वह भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। फिर आते हैं आपके फिलर्स, वी मेक चीज़ फ्रॉम, हम
चीज़ किससे मिलता है हमें चीज़, आफ्टरनून प्ले प्लांट्स मिल्क, हमें चीज़ मिलता है मिल्क से। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम, हम फल और सब्जियां प्राप्त करते हैं किससे, पौधों से। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, वी टेक लंच इन द आफ्टरनून। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दे रखे हैं आपको कंप्लीट करना है। वी ईट फूड बिकॉज, हम भोजन करते हैं क्योंकि। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, इट हेल्प्स अस टू ग्रो। वी ईट, हम खाते हैं ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं मॉर्निंग में, और डिनर एट नाइट, और डिनर हम कब करते हैं नाइट में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका लेसन 6 का बुक वर्क और कंप्लीट होता है। यह बच्चे, सब बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।